हेलो एंड वेलकम बैक। तो जो हमारा चैनल देखते हैं उन्हें पता होगा कि ये एक्सपेरिमेंट या ये जो हम बना रहे हैं ये फर्स्ट टाइम नहीं है। दिस इज़ आवर सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑन द सेम प्रोडक्ट। फिर हम कोशिश कर रहे हैं सीमेंट स्टोव बनाने की, और फायरवुड स्टोव, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, उससे पर्पस पूरा हो रहा था बट वी वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड। हमें लग रहा था कि कुछ कमी है, तो इस एक्सपेरिमेंट में या इस वक्त हमने उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश की है। पहले हमने जैसे ही ये सीमेंट है वैसे ही सीमेंट ली, सैंड ली और उनको अच्छे से मिक्स करा। वाटर का जो प्रोपोर्शन होता है उस पे हमारा ख़ास फोकस रहा। सो यू कैन सी लाइक द सीमेंट क्वांटिटी, नाउ द क्वांटिटी ऑफ द सैंड। इसको अच्छे से पहले हमने छान लिया, वरना वो पूरी तरह से सीमेंट में मिक्स नहीं हो पाई थी। फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करा, फिर उसमें जो वाटर की क्वांटिटी थी उसका ख़ास ख्याल रखा। सो अभी पहले इसे मिक्स करें, फिर देखते हैं आगे। इसमें कुछ स्टोन्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमने थोड़ा पानी डाला, फिर मिक्स करा उसे। और हाथों से मिक्स इसलिए क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी थी उसकी श्योरिटी होना ज़रूरी है कि वो ज़्यादा थिक ना हो, और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करा। सो यू सी हाउ इट्स हैपनिंग। अच्छे से मिक्सचर बनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर स्टोन्स या फिर उसमें अंदर पत्थर जैसे बन जाते हैं, पानी सही से मिक्स नहीं होता, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। लुक्स बेटर, राइट? पिछली बार का आपने देखा होगा उससे बेहतर है। अब ये हमने पहले से कट करवा लिया पेंट का, जो हमारा कंटेनर है। अगेन इट्स पेंट कंटेनर, लेकिन हमने इस बार इसे पहले कट इसलिए करवाया कि वो नीट लगे। फिर हमने उसमें मिक्सचर को भरना शुरू करा। लेट्स डू दिस क्विकली। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें पैकिंग सही नहीं थी, तो फिर ये वाला जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। देन वी स्टार्टेड अगेन। हार मानना नहीं थी उसे, वो कंप्लीट करना था बिकॉज़ हमने पहले से उसे कट कराया था कि वो प्रॉपर शेप में आ पाए इस बार स्टोव। तो फिर उसके जो ओपनिंग्स थे उनको अच्छे से पैक करा, एंड देन वी स्टार्टेड अगेन। तो फिर सेकेंड टाइम में वो प्रॉब्लम नहीं आई थी, सीमेंट वो गैप्स में से बाहर नहीं जा रही थी। एंड देन इट वेंट ऑन, एंड एज यू सी वो उसी सेम टेक्निक इज़ ऑल द सेम, बस हमने उसे पहले से कट करवा लिया उस एरिया को जहाँ से हम जिसे हम वुड के लिए रखते हैं जो एरिया। तो धीरे धीरे हम सीमेंट डालते गए, और फिर जो ड्राई सैंड होती है बिकॉज़ दिस एरिया इज़ गोना बी देयर, और फिर इसके ऊपर फिर से दूसरी जो ओपनिंग थी उसके लिए अनदर पैकेज। फिर इस बार हमने थर्माकोल और कार्डबोर्ड यूज़ करने की जगह ये स्टील का कंटेनर है उसे यूज़ करा,
एंड वी अज्यूम दैट इट विल बी ईजी टू पुल इट आउट, और ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, इट वॉज़ फाइन। तो ये हमने सीमेंट डाल दी, फिर हम थोड़ी देर रुके, थोड़ा पॉज करा कि वो सीमेंट सेटल हो जाए, फिर हमने और सीमेंट डाली, उसे पूरा फिल करा, एंड देन अगेन वी वेटेड फॉर सम मोर टाइम कि वो सेटल हो जाए। जब तक वो अच्छे से सेटल नहीं हो गई, हमने कुछ भी पुल नहीं करा फ्रॉम आउट फ्रॉम द कंटेनर। सो हेयर इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू गो। बाद में उसकी फिनिशिंग चलती रही टू मेक इट लुक बेटर, एंड ये फिर जब वो ड्राई हो गया था अच्छे से, देन वी पुल्ड आउट द बॉक्सेस एंड यू कैन सी, इजंट इट लाइक मच 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 बेटर देन बिफोर। सो यू सी इनसाइड कि वो कितना क्लियर है, उसमें फिर अब बिल्कुल एक क्लियर लुक आ रहा है, राइट। सो दिस वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट एंड वी आर ग्लैड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।